अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। भगवान, चाचा जी ने जो लड़की देखी है ना, वो मुझे एक ही बार में पसंद आ जाए। दर्श तेरा मैं तो शायदा ये तेरा हो जाए दर्श तेरा देख लूं अखियां तरसे तरसे हो जच दी वे जच दी वे कुड़ी जच दी वे इंडिया दी कुड़ी दिल विच वस दी है जच दी वे जच दी वे कुड़ी जच दी वे कहानी हर कहानी कहती अपनी कहानी
खुशियों की रोशनी है, ख्वाबों की जहानवी है। मेरे देश में अमृत बरसे बरसे, ओ जच दीवे कुड़ी जच दीवे, लियारी कुड़ी दिल विच बस दिए, जच दीवे कुड़ी जच दीवे। रौनक स्वीट्स वाला के कोठे किधर है? आगे से राइट ले लो। ओहो, तो ये है माया। हाउ ब्यूटीफुल। अगर अभी मैं नारियल फोड़ दूं तो इससे मेरी शादी डेफिनेटली हो जाएगी। उप्स। ये क्या तरीका है नारियल बेचने का? आई एम नॉट ए नारियल मैन। तो सुपरमैन हो, स्पाइडरमैन हो, हीमैन हो? आई एम नॉट ए मैन। ओ शनि देव भैया, छुट्टा नहीं है, अगले दरवाजे जाओ। एक सेकेंड ना। मीट माई सेल्फ टकीला, टकीला फ्रॉम लंडन। हाय टकीला। लंडन ने तो मेरा वीजा रिजेक्ट कर दिया था। सॉरी, मैंने आपको नहीं पहचाना। लेकिन मैंने आपको पहचान लिया। आप माया जी है ना? नहीं। माया सिस्टर? नो। माया मॉम? तमन में माते से बन सकती हूँ। एनी प्रॉब्लम? वो मेरे सर बताएं दे, अंदर चलो। चाचा जी ने सेक्रेटरी तोतली रख ली। टकेला फ्रॉम लंडन, जिंदल जी दा भतीजा पप्पी। ओ, मेरा नाम है पप्पी शर्मा। मैं मिलवाता हूँ। आप हैं डिप्टी डायरेक्टर इनकम टैक्स पप्पी शर्मा जी, आईटीओ मिस्टी जी, और माई सेल्फ सीनियर इंस्पेक्टर इनकम टैक्स गिरी। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इस घर में इस वक्त इनकम टैक्स की रेट चल रही। कबाब में हड्डी। देखिए मिस्टर टकीला, आपके चाचा जी तो इस वक्त घर पे है नहीं, तो आप ही रौनक ग्रुप के बारे में कुछ। कांचा साहब, आप टकीला लंदन से? हाँ हाँ साहब। सफर कैसा रहा आपका? तुम वो सब छोड़ो, ये सब क्या हो रहा है घर में? मुझे खुद मालूम नहीं। कौन है तू? साहब इस घर का सबसे पुराना नौकर कांचा। ये क्या है साहब? पकड़ो। साहब बादाम। झूठा खिलाएगा मेरे को? बहुत चालाक समझता है अपने आपको। पकड़िए, तुम्हारा यहां मत आना। जा। आप यहां पे करने क्या आए? थोड़ा पर्सनल काम है मुझे अपना। गिरी जी जी, गिटार पकड़ो इसका। बजानी आती है? बजा लेंगे। ओके। ये डर्टी मैगजीन्स तुम्हारी है? मैगजीन्स नहीं, ये मेरी मेडिसिन्स हैं। ये मेडिसिन्स है? ये खाने वाली है कि पीने वाली? देखने वाली हैं जी ये। अच्छा। हाँ जी। आपका डॉक्टर कौन है? श्री श्री शक्ति कपूर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अमिष्टी एक काम करो, इसे ऊपर रूम में ले जाओ और इसे विटनेस बना लो। यस सर। चलिए। पता नहीं लंदन से किसकी शक्ल देख के निकला था। I want you to do a very specific task. Right, sir. I want you to look all around the house. I want you to check all the rooms. Okay, sir. And I want you to write down all the details. Right, sir. Got it? ये कौन है? साहब ये मख्याल, मेरा जूनियर और इस घर का नौकर। साहब इसे मक्खियों से बहुत नफरत है। अच्छा, ये क्या? ओ साहब ये भैंस का दूध आपके लिए एकदम फ्रेश है। ये पकड़िए गिरी जी। आज मेरी शादी है। नहीं साहब। तो फिर सुहाग रहता है? जी नहीं साहब जी। तो फिर कभी दूध, कभी बादाम, कभी पिस्ता। आपकी क्वालिफिकेशन? क्वालिफिकेशन बीए। बीए? वैसे बीए की पढ़ाई भी काफी होती है। हाँ जी वो तो है, अगर क्लियर की हो तो। चलिए, आपने तो आंसर नौकरी करनी है।
हाँ लेकिन शादी तो करनी है। तो अभी तक आपकी शादी नहीं हुई? जी नहीं, वही तो करवाने आया हूँ। लिख लिया आपने? हाँ। ओके। वैसे ये माया कौन है? उससे तो अभी तक मैं भी नहीं मिला। रिलैक्स, बस थोड़े से सवाल पूछूंगा फॉर्म भरने के लिए। आपका नाम? माय नेम इज हितल, हितल शाह, गुजराती। वैसे आप जिंदल जी की बिजनेस पार्टनर है? नहीं नहीं, मैं तो मिसेस जिंदल को डांडिया सिखाती हूँ, दैट्स ऑल। आपको हमारा विटनेस बनना होगा। विटनेस? किस बात के लिए? देखिए, हमें रेड शुरू करने के लिए दो विटनेस की जरूरत होती है। सर आप मुझे ऐसे फोर्स नहीं कर सकते। प्यार तो कर, आई मीन प्यार से बात तो कर सकता हूँ ना मैं। देखिए सर, मैं बहुत ही गरीब फैमिली की लड़की हूँ, इस चीज में मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकती, मैं विटनेस नहीं बन सकती। मैं जाऊँ? जी अब तो आप बिल्कुल नहीं जा सकती, अब आपने गरीबी की बात छेड़ दी है। मैं आपको बताता हूँ, मैंने भी बहुत गरीबी देखी है। सर अब क्या करें सर? फिलहाल तो आप इस रूम से बाहर जाइए, और जब तक मैं ना बोलाऊं तब तक अंदर ना आइए। Do you love music? मुझे ये ट्यून बहुत अच्छी लगती है। You know, we Bengalis, we love music, we eat music, we drink music. वो तो दिख ही रहा है। वैसे आप तो किस तरह थी लड़कियां पसंद है? लिखिए। Tall, dark, handsome, rough and tough. आप तो नहीं लगता है ये क्वालिटीज लड़कों में होती है? Very smart girl. मुझे ऐसी लड़की पसंद है जो हर सिचुएशन में मेरा साथ दे। ऐसी लड़की मुझे इंडिया में ही मिल सकती है, चाहे उसके पास पैसा ना हो। यू नो, मेरे पास पाउंड्स की कमी नहीं है। पाउंड्स? इसका मतलब अब मुझे लंदन जाने के लिए वीजा ती नहीं, तत्तीला ती जरूरत पड़ेगी। तत्तीला जी, अब हमारे विटनेस नंबर 2 है। ठीक है, ओके। अब बताइए कहाँ साइन करना है, मैं विटनेस बनने के लिए तैयार हूँ। जी ये गलत बात है। अब बताइए कहाँ साइन करना है, मैं विटनेस बनने के लिए तैयार हूँ। मेरी बात नहीं खत्म। अब बता रहे हैं या मैं जाऊँ? अरे नहीं, एक सेकंड। जी डांडिया पकड़िए। वैसे ना एक गरीब ही एक गरीब की बात समझ सकता है। साला बंदर कहीं का। अबे ओए पागल कहीं क्या है, तुम्हारे घर में जितना माल छिपा है सब बाहर निकाल, वरना कसम भवानी के जलाकर राख कर दूंगा। ठाए ठाए ठा। वाह 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 वाह, हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं फिटनेस बनाने के लिए, और तुम लोग एक दूसरे को एक्टिंग सिखा रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो। दोनों फिटनेस बन चुके हैं, जल्दी से रेट शुरू कीजिए। No problem. मैंने कहा अगर फ्री हो गए तो अंदर आ जाएं। सर तो अनु किन्हें रोकना है? एविगल ठीक है। गुड मॉर्निंग मैम। आबार इशिचे तमीना। सेम टू यू, तब बोल दो मैम। लुट इंस्पेक्टर, आई एम ऑन ड्यूटी। बट आई लव ब्यूटी। बिहेव योरसेल्फ इंस्पेक्टर, बाय द वे ही इज माय विटनेस, आई मीन आवर विटनेस। अगर आपकी इजाजत हो तो आपके विटनेस से कुछ सवाल जवाब कर सकता हूँ मैं? या श्योर। जी आपका नाम? टकीला। आपका नाम पूछा है, आपके शहर का नाम नहीं। इसका नाम ततिला ही है इंस्पेक्टर। कहाँ से? लंदन से। मेरे को तो लंदन पे भी शक हो रहा। इंस्पेक्टर यू जस्ट हैरेसिंग माय विटनेस, ये लंदन से ही आए हैं, और इनफैक्ट मुझे तो आप पे शक होता है। किस बात का? ते आप इंस्पेक्टर होते तंतत्तर। ना ना, यहाँ पे शक करने का हक सिर्फ मेरा है। और आप लंदन से आए हों या लांडरा से, ये तो मैं खुद पता लगवा लूँगा। लुक इंस्पेक्टर, मैं आज ही लंदन से आया हूँ, और मिस्टी जी मेरा सब कुछ देख चुकी हैं। क्या क्या देख लिया? सब कुछ देख लिया, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, सब डॉक्यूमेंट्स चेक कर लिए। कभी टाइम निकाल के हमारे डॉक्यूमेंट्स भी चेक कर लीजिए। कुछ नहीं, अगर आपने देखा होगा तो सही देखा होगा, पर अब देखने की बारी हमारी है। ओ जोगिंदर। हाँ जी सर।
एक बुरी खबर है यार। क्या हुआ? यार पानी खत्म हो गया यार अंदर। पानी तो यहाँ बाहर भी नहीं है जी। जुगाड़ चलेगा सर? हाँ तो बस जल्दी आसपास जो भी है वो लेके आ और लाके दरवाजे के पास रख दे। और देख कड़ी नहीं है दरवाजे में, तू एक काम करना यहीं खड़ा रहना, हिलना मत। और ध्यान रखियो कोई आ ना जाए। जी सर। और सुन टकीला पे नजर रखनी पड़ेगी, साला फ्रॉड लगता है मुझे। हेलो पुष्पा। गुड मॉर्निंग। अब इस देखो किस किस रूम की ये देखिए ये क्या दिख रहा है आपको? ऊपर लिखे जो भी इसकी डिपार्टमेंट है। हाँ वो तो मैंने सारा चेक कर लिया। और ये देखिए। हेलो हाउ आर यू? हेलो आप टकीला ही है ना? यस आई एम टकीला। आप माया से मिलने आए हैं? जी मैं आंटी जी को डांडिया सिखाती हूँ। आप भी माया नहीं है इसका मतलब? जी नहीं मैं हेतल हूँ। वैसे आप लंदन में काम क्या करते हैं? लंदन में मेरा अपना म्यूजिक स्टूडियो है। ओ, अगर मुझे लंदन में सेटल होना है तो मुझे टकीला से चक्कर चलाना ही होगा। शर्माइए मत जी। टांगे ऊपर कीजिए। क्या? बड़ा मजा आएगा। लेकिन मैंने ये पहले कभी नहीं किया। फर्स्ट टाइम। ऐसे? हाँ, ऐसे 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 आ रही हूँ। गिव मी योर हैंड। ओके डाइनी तो था दाल फाइट हमड़ा जाओ तो कबाब में हड्डी तबाब में हड्डी। वो हेतल यहाँ पे तैयार करने आई थी? वो तो वो टाइम पास कर रहे थे। अच्छा? हाँ हाँ। तो टाइम पास तो मैं भी करवा सकती हूँ। करवाइए। पता है हाँ हाँ। मैं भी बहुत अच्छा दाना डाल लेती हूँ। फिर सुनाऊं? सुनाइए। ओते Story of my life, searching for the right, body keeps avoiding me, saw in my soul. से पूरा का पूरा किया था सर मैंने वहां। ओह माय गॉड ये तो मेरा ही घर है, लेकिन ये सारे लोग और मेरे घर में ये पुलिस। हाय मैं मर जाऊं। यस सर। ये क्या हाल कर दिया मेरे घर का? निकलो निकलो मेरे घर से बाहर जाओ। ये मेरे घर को सारा बर्बाद कर दिया। व्हाट डू यू मीन बाय मैम? मैम मेरे घर का सारा सामान खराब करके रख दिया और बोलते मैम मैम
बिठाओ मैम को। मैम बैठ जाइए। ओए ये मक्खी मारने का वक्त है, मैं इतनी इम्पोर्टेंट बात कर रही हूँ। हाथ दोगी, निकल बाहर, आउट, आई से आउट। मैम प्लीज आप बैठिए। ओए तो चुप कर, क्या बैठूं मैं, इतना घर का हाल बुरा कर दिया और आप कहते हैं बैठो बैठो। आप बाहर जा रहे हो या नहीं जा रहे हो मेरे घर से? जोगिंदर मैम को बाहर लेके जाओ। क्या बाहर जाऊं मैं, मेरे घर का तो हाल ही बुरा करके रख दिया। हो जाएगा मेरा फेर और जरा कर जेंटलमैन, हो जाएगा मेरा फैन और जरा कर जेंटलमैन। बरसे प्यार की ठंडिया कुर्बा हूँ मैं तुझ पे आज, दिल बहला ले अंग लगा ले हो सुगवा ले वे। स्लोली 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 कम ऑन कोमल कम से मेरे कमल 16 बरस है मेरी उम्र, कोमल कम से मेरे कमल 16 बरस है मेरी उम्र। देख मेरे दे समसे बाहे जादू अगर है मेरी निगाह, रोक ना खुद को छोड़ दे को कर मनमानी वे। स्लोली 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 उफ स्लोली स्लोली इश्क दिगाले इश्क दिगाले इश्क दिगाले वे, इश्क दिगाले इश्क दिगाले इश्क दिगाले वे। होंठ पे रख दे जुबा पे चक्के चूस ले मुझको वे। स्लोली 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 ले 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 इश्क दिखाली। कालिया कालिया। हेलो हेलो मिस्टर टकीला, क्या हाल है? शक्ति कपूर बोल रहा हूँ लंदन से। ओ हेलो डॉक्टर शक्ति कपूर जी, हाउ आर यू? आई एम फाइन एंड होप यू आर आल्सो वेल। वैसे मेडिसिन ले रहे हो ना ठीक टाइम पे? हैं? हाँ हाँ, और इनफैक्ट अभी भी मैं मेडिसिन ही ले रहा था। एक्चुअली किसी को यहाँ पे यकीन ही नहीं होता कि एक मैगजीन भी मेडिसिन हो सकती है किसी के लिए। अच्छा जी, बस ये मैगजीन दिन में 4 बार ठीक टाइम से लेते रहना। जी जी। एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम को, एक रात को सोने से पहले। ओके ओके बाय डॉक्टर। बाय बाय। हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू यू ऑल लिसनर्स, मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट आरजे जस्सी। लीजिए लस्सी। अरे वाह लस्सी। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, आज के इस प्रोग्राम में हम आपको सुनाएंगे और बताएंगे चंडीगढ़ में मनाए जा रहे दशहरे का आंखों देखा हाल, और साथ ही हम आपको मिलवाएंगे मुंबई से हमारे दो बहुत ही स्पेशल गेस्ट से, जिनमें से एक है मुंबई पुलिस इंस्पेक्टर कालिया कालिया और दूसरे है कॉन्स्टेबल फटके। ये भी है जरा हटके। सो इंस्पेक्टर कालिया, क्या आप हमारे लिसनर्स को बताना चाहेंगे कि आप मुंबई से चंडीगढ़ किस मिशन पर आए हैं? वैसे लंदन में अपनी जोड़ी बहुत धूम मचाएगी, आप गिटार बजाना और मैं डांडिया। You are also very smart girl, huh? What do you mean by I am also very smart? मुझसे स्मार्ट भी और कोई है क्या? कालिया, कालिया। Excuse me, लंदन से फोन। हेलो 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 मेलकम,
मेलकम, तुम? हेलो, तुम बोल कहां से रहे हो मेलकम? हेलो, तुम चंडीगढ़ आ रहे हो मेलकम? हेलो, एक तो इस बंगले में सिग्नल नहीं मिलता। हेलो हेलो मेलकम, कैन यू हियर मी मेलकम? हेलो, कट हो गया। अगर ये मेलकम चंडीगढ़ आ गया ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। इससे पहले मेलकम चंडीगढ़ आए, मुझे लंदन वापस जाना पड़ेगा। अभी आए हो, अभी जाने की बातें भी करने लगे। कम से कम अपने चाचा जी को तो आने दो। पहले कम परेशान हूँ मैं, घर का हाल तो देख लो क्या क्या हुआ है। अरे अगर नहीं मिलती चाबी तो तोड़ दो। गीजर यहाँ आइए। समझ सकता हूँ, टेंशन मत लीजिए। मैं तो इस तरह कर, अपने चाचा जी को फोन लगा के पूछ कहाँ रह गए वो। तेरी माँ की। सर, इन्हें तो फोन नहीं मिल रहा, सिग्नल नहीं मिल रहा अंदर, तो इनके बात करवा दो बाहर। चाचा जी से बात करनी थी। रोहित, तूने कैशलेस बनाई? सावधान, मुंबई के बांद्रा एरिया के दो नामी चोर टकीला और पप्पी आपके शहर चंडीगढ़ में चंडीगढ़ के लैंड्रा एरिया में घुस चुके हैं। आपसे अनुरोध है कि दशहरे के शुभ अवसर पर उन्हें पकड़ने का मौका आप हाथ से जाने न दे। हेलो, वो पता करना था कि चाचा जी और माया कितने बजे आ रहे हैं। साला सिग्नल नहीं मिल रहा। क्यों पप्पी, हम इस इलाके के इतने बड़े चोर हैं और ये लोग साले हमारे इलाके में हमारे ही शक्लें चोरी करके घूम रहे हैं। ओए टकीले, शक्लें तो फिर शक्लें हैं, इन्होंने तो हमारे नाम तक नहीं छोड़े। कोई बात नहीं, इनको यहाँ करने दो आराम और हम नीचे जाकर इनकी ड्यूटी पूरी करते हैं। ड्यूटी करेंगे, माया तो मिलेगी मिलेगी। माया? माया यानी पैसा। और एक बात ध्यान से सुन ले टकीले, तू अब की बार ना दारू और लड़की से दूर रहेगा, समझ गया ना? ठीक है ठीक है। चल तेरी, चल। ये दोनों चोर इतने हरामखोर है कि किसी का भी भेष बदल के ये आपके घर में घुस सकते हैं। इनकी और एक आदत है, इनको खुजली की बीमारी है। तुम्हें याद है ना वो 7-30 में जो रेड मारी तुमने? कौन? जिस किसी को ये दिखे या मिले वो तुरंत हमारे बॉस डाकू कालिया, सॉरी इंस्पेक्टर कालिया, उनको तुरंत फोन करके बता दे। और आपका समय शुरू होता है अब। टकीला जी, कोई सी भी ले लीजिए, सब बाहर से मंगवाइए। अच्छा जी साहब, वो देसी वाली तो है नहीं? देसी वाली मतलब वो कहीं संतरा वाली तो नहीं? हाँ हाँ है, वो मेरे पास है ना साहब। हाँ दो दो। ये ले साहब। हाँ जी, ये बनी ना गल। पर साहब ये बताओ कि ये संतरा वाले आपके लुंडन में भी मिलता है? तो एक काम कर, इसको लेके जाओ यहाँ से। नहीं नहीं, जाओ जाओ। ओ शापर, नहीं नहीं, तुम जाओ यहाँ से, जाओ जाओ।
आजा आजा। चाची जी, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। नाराज? मुझे इतनी देर होगी यहाँ आए हुए और अभी तक आप मुझसे गले नहीं मिले। ओ, मैं भी ना इस रेड की टेंशन में। ओ चाची जी, ऐसी नाराज हो रहे थे तुम। देखो अब मिला चैन तुम्हें। हाँ हाँ, अब मिला चैन। पंडित जी को हाथ दिखा। पंडित जी, इसका हाथ देख के बताइए कब शादी होगी। ठीक है बैठ जा बेटा, बैठ जा। कुंडली के हिसाब से तो विदेश में रहा, पर हाथ के हिसाब से कई बार जेल जा चुका है। एक सेकंड पंडित जी, थोड़ा आ गया ना। बोल बेटा। आप पंडित ही है ना? हाँ जी। कोई थानेदार तो नहीं? बेटा तेरी जिंदगी में एक थप्पड़ की कमी से वो लग गया, फिर मजे ही मजे से। पर इस साल तेरा ब्याह जरूर होगा। अच्छा जी, अरे वाह, थैंक गॉड शादी होगी तो मैं तो गोवा नहा के आऊंगी। बहन जी, गोवा नहीं, गंगा जी नहा से। ओहो पंडित जी, गंगा भी तभी नहाएंगे जो गोवा जाकर कुछ करेंगे। पंडित जी मेरा भी हाथ देखिए ना। जरूर बहन जी। बहन जी, तेरे जीवन में एक अधूरा प्यार से जो अभी तक पूरा नहीं होया। मैं शादीशुदा हूँ पंडित जी। कोई नहीं बहन जी, लगे रहो। अरे बड़ी छुपी रस्ता में तू मुझसे ही छुपाती है, कौन है वो मुझे भी बता। मम्मी मम्मी देखो, आपकी पर्स से फोटो मिली। अरे मुझे भी दिखा, मुझे भी दिखा। ओ माय गॉड, रब झूठ ना बुलाए, सडनली ये नई मुसीबत। तो मेरे बचपन की सहेली होके मेरे को ही धोखा देती रही। इनकम टैक्स के रेट के साथ तूने ये रेट डाली मुझ पे, इन्हीं के साथ चक्कर, तेरे को कोई और नहीं मिला। आ जाओ आज तो आप घर, आग ही खैर नहीं। इनकम टैक्स के रेट के साथ ये रेट भी पढ़नी थी, आज ही मेरे पे सारे के सारे खुलने थे ये राज। आपको नहीं छोड़ूंगी, जाके बनाती हूं चटनी। मेरे बचपन की सहेली के साथ ही चक्कर, पता नहीं और भी कहां कहां मुंह मारते होगे। मेरी तो किस्मत ही खराब है। कोई बात नहीं बहन जी, इसका भी मेरे पास लाज है। चुप करो पंडित जी। आइए रितु जी। जिंदल साहब, ये मर्द कितने रुपए किलो दी? मर्द 20 रुपए किलो आपके। अच्छा, लिए। और ये डॉन? डॉन भी 20 रुपए किलो आपके लिए। और आगे जो जंजीर है, नसीब है, ये शान है, ये सभी आपको 20 रुपए किलो लगेंगी, कॉम्प्लीमेंट्री। अंकल आपने तो सारी मिठाइयां मुझे 220 रुपए किलो बोली है। ये अमिताभ की इतनी बड़ी फैन है, हर फिल्म इन्होंने 20-20 बार देखी हुई है। तूने अमिताभ की कोई फिल्म देखी है? शोले, शान, सुहाग, नटवरलाल, देशप्रेमी, कालिया, सत्य बसत्ता, याराना, दोस्ताना, नसीब, लवारिस, जंजीर, जमीर, ये सभी फिल्मों के नाम ऐसी रखे हुए मिठाइयों पे। आ जाते हैं डिस्काउंट लेने बिना अमिताभ की मूवी देखे। और रितु जी, आपने अमिताभ बच्चन की मूवी सबसे ज्यादा बार कौन सी देखी है? मैंने सिलसिला देखी है पूरे 40 बार। 40 बार? हाँ जी। आपने तो मेरा भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। मुझे लव ट्रायंगल्स वाली मूवीज अच्छी लगती हैं। रितु जी, दशहरे के मौके पे ना मैंने एक नई मिठाई लॉन्च की है जिसका नाम है शोले। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है? गब्बर एक मिनट आना। आप तो अमिताभ के सो स्वीट फैन हैं जी। आ गया जी साहब। रितु जी, ये है शोले। मैं दशहरे के मौके पे ना मेरी तरफ से 1 किलो शोले मैं आपको फ्री देता हूँ। थैंक यू सो मच है जी। ओ थैंक यू कैसा रितु जी, ये मिठाई की दुकान तो मैंने खोली अमिताभ की फैंस की सेवा करने के लिए, और आज आपने कॉफी भी पीनी है मेरे साथ, समझे ना? ओके। एक सेकेंड रितु जी, फोन आया मेरा। हेलो। हाँ बोलो, क्या तकलीफ है? तकलीफ? पहले ये बताओ कि तुम्हारी फोटो मिसेस खोसला के पर्स में क्या कर रही थी? सच सच बताओ मुझे, ये क्या चक्कर है? अरे कोई चक्कर नहीं है, किन चक्करों में पड़ गई हो तुम? अरे मिसेस खोसला LIC की एजेंट है ना, वो LIC के फॉर्म पे लगाने के लिए मैंने फोटो दी थी। इतनी बड़ी फोटो कौन से फॉर्म पे लगती है? झूठ मत बोलो। अरे इससे छोटी फोटो मेरे पास थी नहीं, मैं क्या करता? चलो ठीक है, घर आओगे तो ही पूछूंगी ये तुम्हें। एक और। हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो, मिसेस घोंसला का घोंसला छोड़ना ही पड़ेगा। मेरे हमशक्ल का बैग, आज तो किस्मत खुल गई है। तड़पती जवानी, नाम और शक्ल के साथ साथ साले ने शौक भी मेरे जैसे पाल रखे हैं। क्या बात है यार, जियो बेटा जियो। अरे त्या ततिला जी, अब मेरे होते हुए लड़ती तो देख रहे हो मैगजीन्स में। तमन ततिला जी, मेरी हाथों में दे दो। आप इनकम टैक्स वाली आइटम है ना? अरे मैं मिष्टी। त्या ततिला जी, आप होश में तो हो ना? आप ततिला ही हो ना? हाँ हाँ, मैं टकीला ही हूँ। अरे आप मुझे लंदन ले जाने वाले हो ना रात तो? ते ही आप मुझे लंदन ले जाते और वहाँ तो नहीं पूछोते तो मैं कौन हूँ? एनीवेज, मैं आप तो ये बताने आई हूँ, ते आप हेतल से दूर रहना, वो आपते लायक नहीं है। ओते मेरी हाथों में दे दो और बोलो ओते। ओते।
आरज़ू है तेरी जुस्तजू, तेरी है आरज़ू है तेरी जुस्तजू, मेरी सारी चाहत तुझ पे लुटा दूँ, मेरी सारी चाहत तुझ पे लुटा दूँ। आ छुपा ले मुझे, मुझ में शामिल करूँ तुझे, तेरी बेबाकियाँ मुझे सताए हैं। वो 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 गुस्ताख रात की परछाई है, मीठी ख्वाहिश मुझ पे छाई है, दिल की रागों में एक हूक उठी है, सुर्खी से सांसों में आग लगी है। लम्हा लम्हा तेरी नींदें चुराऊं, एक पल भी दूर ना हो ऐसे चुराऊं। जाओ ये साइकिल पार्क करके आओ। साइकिल ही तो है, यहीं पार्क कर दो। यहाँ नहीं, पिछले 15 दिनों में मेरी 3 कारें चोरी हो चुकी हैं। कार का जला साइकिल भी फूक फूक के लगाता है, इसको जाकर पार्क करके आओ। सर मैं पार्क करूंगी, मेरी इज्जत का भी तो कुछ ख्याल करो। ओ मैडम जी, आपको इज्जत चाहिए या नौकरी चाहिए? हा? नौकरी। बस फिर चलो। मैडम ये इनकम टैक्स का इंटरव्यू एक ब्यूटी सैलून में, कुछ समझ नहीं आया। इवन आई वॉन्ट टू नो। या मी टू। एक्चुअली मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, पर हाँ इतना जानती हूँ कि जो हमारे इनकम टैक्स के डायरेक्टर साहब है मिस्टर भंडारी, साला अमिताभ बच्चन का इतना बड़ा फैन है कि 1979 के जो कॉस्ट्यूम है अमिताभ बच्चन के, वो अभी डाल के घूम रहा है और हमसे भी पता नहीं क्या उल्टे पुल्टे काम करवा रहा है। यस सर। हमारे लिए बढ़िया सा वीक का इंतजाम कीजिए। यस सर। जरा पप्पी को फोन लगा के पूछो कि चिंदन साहब के घर से अब तक कितना कैश और ज्वेलरी मिली है। यस सर। जी तिजोरी खुल गई? यस सर, तिजोरी खुल गई। बात सुन जी, तिजोरी का सारा माल एक बैग में डालकर जल्दी से जल्दी मुझे दे दो। पर सारा माल तो सिक्का जी के पास है जी। मैं किसी सिक्का साहब को नहीं जानता। कौन सिक्का? सिक्का साहब सर, आपके दोस्त इवेल्यूएटर, आप ही ने तो बुलाया है। मैंने बुलाया जी? अच्छा मुझे पता था तो बेडरूम में मिलेगा। क्या हाल है, क्या बात है, पूरा हीरो लग रहा है यार। ये कैप किसकी मारी? थैंक यू जिंदल साहब की। क्या बात है यार, मजा आ गया। और माल मिला? मुझे लगता है हमारे आने से पहले ना इनकम टैक्स वालों ने सारा माल अपने अंदर कर लिया है। और तू बता, तिजोरी खुली? तिजोरी खोली नहीं। हाँ हाँ, तिजोरी तो खुलवाई है। अच्छा, वो भी सरकार से। क्या बात है, तो माल कहाँ है तिजोरी का? यार इन्होंने ना सारा माल जो है ना, हाँ हाँ, सिक्का के पास रखा है। सिक्का? वो ज्वेलर जिसकी 3 गाड़ियां चुरा के हमने नेपाल में बेच दी थी। मैंने सुना अब डर के मारे साइकिल पे आता है। साइकिल पे? अच्छा अब फाइनल प्लान सुन। अच्छा, सिक्के से बैग लेके, हाँ हाँ, मैं तेरे पास आऊंगा। आजा एक सेकंड ना, अगर सिक्का ने तुझे पहचान लिया फिर, वो लास्ट टाइम जब हमने उसकी गाड़ी चुराई थी तो उसने तुझे देख लिया था ना। उसकी टेंशन ना ले, मैं पप्पी हूँ, ना कभी पकड़ा गया हूँ और ना ही कभी पकड़ा जाऊंगा। हे दुर्दामा, हेलो पाउंडेव, मुझे मालूम है तूने ही ततिला तो यह भेजा है मेरे लिए ताकि वो मुझे लंदन ले जाए। थैंक्स हाँ, बट मुझे लगता है मेरी पूजा में ही तुई तमी रह गई है जो तूने ऐसा अजीब बंदा मेरे पास भेज दिया लंदन से। आई एम सॉरी हाँ, पर तुम चाहो तो मैं 7 70 वर्ता व्रत और रथ लूंगी, पर प्लीज तुई धनता हस्बैंड तो भेज। सला नंदी नंदी लड़ती होती तस्वीरें देता है,
प्लीज माँ, तो ये और ऑप्शन देना, तो ये और लाइफलाइन देना। मैं ये ऑप्शन लौट करती हूँ माँ। ही सो ट्यूट, बिल्कुल धर्मेंद्र, आई मीन सनी देवल जैसा लगता है माँ। मैं इसके साथ बहुत खुश रहूँगी। प्लीज माँ, इस बार मुझे लंदन भेज देना प्लीज। हाँ, और तो ही बिधन ना डालना। आई रिक्वेस्ट यू माँ, प्लीज प्लीज माँ प्लीज। हम लंदन कब जा रहे हैं? लंदन? हाँ। कब जाना लंदन हमने? कल। हाँ हाँ बिल्कुल चलेंगे। मैं जिस काम के लिए आया था पहले वो काम कर लूँ, उसके बाद चलेंगे लंदन, ठीक है? वैसे मुझे पता है आप किस काम के लिए आए हो। माया के लिए आए हैं ना? मैं अभी आता हूँ। माया के चक्कर में मत पड़ना, बड़ी बिगड़ी हुई घमंडी लड़की है। 50 लाख की तो अंगूठी पहनती है, 1.5 करोड़ की गाड़ी में घूमती है, 10 करोड़ का तो उसका बंगला है। आपसे नहीं पटने वाली। ये माया कब आ रही है? साहब वो आपकी चाचाजी के साथ ही आएगी ना। अच्छा, ये माया बहुत पैसे वाली है क्या? साहब वो तो बहुत अमीर है, जिंदा साहब की दोस्त की इकलौती बेटी हो। चीयर्स। सॉरी मैम, मैं थोड़ा सा लेट हो गया, इंटरव्यू शुरू तो नहीं हुआ अभी तक? नहीं नहीं प्लीज बैठिए। मिस्टर विजय को अंदर भेजिए। ओके सर। आप में से मिस्टर विजय कौन है? जी मेरा नाम विजय है। यू मे गो फर्स्ट। एक्सक्यूज मी मैम, आपने इनको पहले भेज दिया, हम लोग पागल हैं जो इतनी देर से वेट कर रहे हैं। वेलकम वेलकम, बैठिए। माय सेल्फ इनकम टैक्स डायरेक्टर भंडारे, और ये मेरे कलीग से आवारेलाल, सॉरी प्यारेलाल जी और संचारी। आप ही का नाम विजय है? जी सर। वेरी गुड, यू आर ऑलमोस्ट सेलेक्टेड। पूछो क्यों? क्यों? 20 से भी ज्यादा अमिताभ बच्चन की पिक्चरों में उसका नाम विजय रहा है। अच्छा, आपको मालूम नहीं? फिर तो आपको ये भी पता नहीं होगा कि अमिताभ बच्चन की पहले फिल्म कौन सी थी। दरअसल सर मेरा फिल्मों में इंटरेस्ट कम है, मेरा पढ़ाई में इंटरेस्ट है, और वैसे भी इस सवाल का इस इंटरव्यू से क्या लेना देना। प्यारे लाल जी, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इंटरव्यू ही चल रहा है, तो इंटरव्यू शुरू कीजिए ना सर। ओके, तो आपका पहला क्वेश्चन, अमर अकबर एंथोनी पिक्चर में अमिताभ बच्चन अमर थे, अकबर थे या एंथोनी? सर मैंने आपको बताया ना, मेरा फिल्मों में इंटरेस्ट कम है। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इंटरव्यू है ना सर? प्यारे लाल जी, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इंटरव्यू ही चल रहा है, तो इंटरव्यू शुरू कीजिए ना सर। ओके, आपका दूसरा क्वेश्चन, फिल्म कुली में अमिताभ बच्चन का बिल्ला नंबर क्या था? 783, 84 या 86? सर आपकी चप्पल मिलेगी? कोल्हापुरी चप्पल। जी जी कोल्हापुरी। ये पहली चप्पल मैं मारूंगा अपने बाप को कि उसने मेरा नाम विजय रखा क्यों, लेकिन उससे पहले मारूंगा अपने आप को कि मैं सड़ी हुई इंटरव्यू में आया क्यों, आया क्यों, आया क्यों, आया क्यों, आया क्यों, आया क्यों। सर जिंदल साहब का फोन है। हेलो जिंदल साहब, तो कैसे लग रहा है, आपके घर में इनकम टैक्स के रेट पड़ी है? सर मैंने तो इसलिए फोन किया है कि बहुत बहुत थैंक्स, आपने मेरे घर पे इनकम टैक्स के रेट ना डालकर जो एहसान किया है, थैंक यू वेरी मच सर। क्या रेट आपके घर पे नहीं पड़ी? सही। संचारी व्हाट्स गोइंग ऑन, पप्पी 9 नंबर बंगले में पहुंचा ही नहीं। सर मुझे लगता है पप्पी जी ने फिर मिस्टेक कर दी, वो गलत घर पे चले गए हैं रेट डालने। फोन लगाइए। जी सर। लीजिए सर। ये तो स्विच ऑफ है। वही मैं आपसे कह रही थी सर। तो ढूंढिए, सारा चंडीगढ़ छान मारिए। ये सिक्का बैग देने में इतना टाइम क्यों लगा रहा है? ओ तू भंगड़ा करना बंद कर यार। तू भी कर यार भंगड़ा, तू भी कर। क्यों, ऐसी कौन सी चीज मिल गई? ओ चीज नहीं, लड़की मिल गई, लड़की लड़की माया यार, फुल तो अमीर है, बहुत अमीर। वो मुझसे मिलने के लिए आ रही है, मुझसे मतलब मेरे हमशक्ल से यार। तू उससे बिल्कुल नहीं मिलेगा। अरे यार तू एक काम कर, तू तिजोरी वाली माया उड़ा और लड़की वाली माया मैं उड़ाता हूँ यार, दोनों भाई मिलके आज करेंगे यार, भंगड़ा डाल। तेरी लड़की और दारू के चक्कर में फंस जाएंगे। अरे यार कभी तो मेरी बात मान लिया कर, सुन देख, लड़की और दारू कभी कभी बहुत कुछ दे जाती है यार, तू भंगड़ा डाल यार। लेकिन बात सुन, जो भी करना है ज्वेलरी का बैग मिलने से पहले करना है, क्योंकि उसके बाद तेरे को मैं यहाँ पे एक सेकंड नहीं रहने दूंगा। अरे फोन तो ठीक चल रहा है, अभी तक किसी का फोन आया क्यों नहीं? पता है हम 2 घंटे से यहाँ बैठे हैं। जैसी वन मोर लस्सी। अरे नहीं बोलो, सुनो लीजिए लस्सी। अरे यार चलो पी लेते हैं। इंस्पेक्टर कालिया,
क्या आप जानते हैं कि जिस रेडियो स्टेशन में आप बैठे हैं ये चंडीगढ़ का नंबर 1 एफएम चैनल है, एफएम लस्सी? तो फिर पीजिए लस्सी। हाँ, और जहां तक चोरों का सवाल है, आप तो मान के चलिए कि वो चोर तो पकड़े गए। आप बस ये बताइए सर कि आपका शाम का क्या प्रोग्राम है। देखो क्या है, मुझे वो दशहरा फेस्टिवल देखना है, रावण को देखना है मुझे। मैं रावण का बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा जी, बम्बे में क्या है, ये दांडिया रास, गरबा यही चलते रहता है, वहाँ रावण में किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है। डियर सर, मैं अभी आपको आंखों देखा हाल सुना देता हूँ दशहरे का। और अब भारत के कप्तान श्री राम अपनी टीम के साथ दशहरा मैदान की तरफ धीरे धीरे बढ़ते हुए, काफी लंबा काफिला है उनके समर्थकों का। डियर डियर और अब श्रीलंका के कप्तान रावण ट्रैक्टर पर अपने खिलाड़ियों के साथ आते हुए बहुत ओवर कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। ओवर एंड गेट आउट। वेरी गुड, ये दशहरे का फेस्टिवल देखने में बड़े मजे आएंगे, लेकिन तब तक वो चोर पकड़े जाएंगे। कितने आदमी थे? 2। भैया मर्द कैसे दिए? 220 रुपए किलो। ये माया आई है, बाहर खड़ी है। अरे इज्जत से बोल, माया जायसवाल है वो, मेरे दोस्त की इकलौती बेटी है वो। अपने भतीजे की एंगेजमेंट करवा रहा हूँ उससे। तू एक काम कर, ड्राइवर को बोल के मेरी BMW निकाल, चल जल्दी कर। कम इन माया, कम इन, कम इन। ले, आ गई तेरी माया। अंकल, आज आपने पार्टी रखी है? मुझे तो खुद नहीं पता, पर ये सब लोग, इनको मैं कोई जानता भी नहीं हूँ। ये सब कौन लोग हैं, तुम जानती उनको? नहीं, मैं भी नहीं जानती किसी को। देखिए, आपको इस घर से कुछ नहीं मिलने वाला। साला बंदर कहीं का। आप इसको बाहर निकालेंगे प्लीज? विक्की प्लीज जाइए। देखिए, आप अपनी सर्चिंग अभी बंद कीजिए। मैं अपना इनकम टैक्स रेगुलर पे करता हूँ, और आज मेरे भतीजे की एंगेजमेंट भी है। सॉरी सर, हम ये रेट बंद नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक हमारे डायरेक्टर साहब का हुक्म नहीं आएगा ये काम जारी रहेगा। पैरी पहना चाचा जी, आपने मुझे पहचान लिया? हाँ बिल्कुल पहचान लिया। अच्छा, मुझे लगा आप मुझे पहचानोगे नहीं। अरे पहचानूंगा क्यों नहीं, वही आँखें, हाँ, वही नाक, वही कमर, और हाँ, उसके बाकी, नीचे बाकी सब कुछ भी वही है। बाकी हाँ, सभी वही है ना? सेम सेम। सुनो हाँ जी। चाचा जी, ये पप्पी रौनक जिंदल, पप्पी शर्मा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। मेरे घर में सब कुछ वाइट वाइट ही मिलेगा आपको, मेरे घर में कुछ भी ब्लैक नहीं मिलेगा आपको। शार्प ब्लैक टी मुझे नहीं चाहिए। क्या ये है माया? हाय। इनको कौन नहीं जानता। हेलो, कैसे हैं आप? हाँ जी। अच्छा माया, ये है टकीला, मेरा भतीजा लंदन से। हेलो, हाय, ओके। माया इनके साथ जाइए प्लीज। मैं लेके चलता हूँ आपको रूम में, आइए। रोको 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 रोको, 9 नंबर बंगलो आ गया। आया पप्पी। अरे अरे क्या कर रहा है? प्यारे लाल जी, यहां से निकलते हैं, चलो जल्दी करो। मुझे दशहरे का फेस्टिवल देखना है, मुझे रावण देखना है। आपका बीपी बहुत लो हो गया है, तो आप उसे अप करा दीजिए। मैं आपको VMT दे देती हूँ। VMT? वो क्या है? वर्बल मेडिकल ट्रीटमेंट। वर्बली मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पुट अप करूंगी और आपको उनका जवाब देना है। योर क्वेश्चन इज, मेरी मिनी स्कर्ट में कोई मच्छर चला जाए तो वो मुझे किस पॉइंट पे काटेगा? सोचो इसका जवाब देना जरूरी है क्या? अगर आपको ठीक होना है तो। घुटने पे। रॉन्ग आंसर। मिनी स्कर्ट तो शुरू यहां से होती है। यहाँ जांगो पर। रॉन्ग आंसर। हाँ।
Naughty boy. Wrong answer. करा दी ने बेइज्जती। सोचो सोचो। चलो मैं तो हार गया। प्लीज आप बता दीजिए ना। मच्छर काटेगा आपके हाथों पर। मेरे हाथों पर कैसे? कितने आदमी थे? मैं ऐसे सोच रहा था कि अगर मैं ये बैग ले जाऊं तो आपको कितने साल की सजा होगी? सजा तो तब होगी ना सर, जब हम आपको भागने देंगे। खड़ी हो जाओ सोना। आप भी खड़े हो जाइए सर। जरा इनको गौर से देखिए, ये वही है जो इस इलाके के सबसे बड़े चोर हैं। वैसे एक बात बताऊं? हाँ। अगर आज आप मुझे ना मिलती ना तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। आपको पता है मेरा नाम माया है और मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ फायदा ही फायदा होता है। फायदा होता नहीं, उठाना पड़ता है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अच्छा चलो छोड़िए, आप क्या लेना पसंद करेंगे, मीठा या नमकीन? बता दूं? हाँ हाँ। सच में? हाँ हाँ, शर्माइए मत। आपका हाथ, इसी में तो मेरी सारी तकदीर छुपी हुई है। ये वही तो नहीं है जिन्होंने आपकी तीन तीन कारें चुराई थी सर? मैं, मुझे आप इज्जत दो, मैं आपका वो डिप्टी डिप्टी डायरेक्टर साहब, इज्जत तो आपकी अब उतारी जाएगी। पुलिस आएगी, आपकी डंडा परेड करेगी, आपसे माल बरामद करेगी, गाड़ियां बरामद करेगी, उसके बाद आपको इज्जत से जेल भेजा जाएगा। मैं बुलाऊं पुलिस को? हाँ। बस डिप्टी डायरेक्टर साहब, इतना ही दम था? पप्पी जी, आपकी शक्ल उस चोर से मिलती है जिसे मैं पकड़ नहीं पाया सर, अपनी भड़ास आप पे निकाल दी। ये लो बैग, इवेल्युएशन मैंने कर दी है, अब हमारा काम खत्म, आप जानो और आपका काम जाने। आओ सर, ये तो ले जाइए। अरे यार, ये सब कुछ पैक किया करो ना, मेरे पास टाइम नहीं होता। सर मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे ये सचमुच का चोर हो। इन्होंने केले बहुत खाए हुए ना आज। अरे प्यारे लाल जी, रोको 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 रोको। अरे चलो 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 चलो। माया जी, ओ पप्पी जी हैं इनकम टैक्स वाले, मैं एक सेकंड जरा उनसे बात कर लूं। हाँ। एक सेकंड, मैं अभी आया। ओके। तिजोरी वाली माया, सोने की खान। ये अंगूठी 50 लाख की है। हाँ हाँ, आपको अच्छी लगी? बहुत। तो आप रख लो। अरे नहीं नहीं। You fool? Sorry. I mean, how cool. आप मेरे लिए इतनी दूर से प्लेन में लटकते हुए आए हो। आपके लिए तो मैं कहीं भी लटक सकता हूँ। बस अब और नहीं लटकना। हाँ हाँ, लटकना नहीं लेकिन आपकी आंखों में तो भटकना है। छी, ताला बिस्तुट है तो इसे। कबाबों में हड्डी, कबाबों में हड्डी। ये मेरे विटनेस है और मेरे सामने ये सब बातें होती क्योंकि मैं नहीं चाहती तो ये भी इन्फॉर्मेशन लीक हो। सो ततिला जी, हम हनीमून, आई मीन आप हनीमून कहाँ बनाएंगे? हनीमून किचन में बनाएंगे, आप बनाना और मैं खाऊंगा। इंटरेस्टिंग। ततिला जी, मैंने ना अभी अभी एक सपना देखा। सपने में हम दोनों लंदन में डांस कर रहे थे, पर तभी दो चुड़ैल जैसी लड़की आपके पास आकर बैठ गई। तुम दोनों यहाँ भी? Who is चुड़ैल? सकल देख अपनी, पता चल जाएगा। अच्छा खैर छोड़ी,
ये कुछ मेरे डॉक्यूमेंट्स है, कुछ मेरे फोटोग्राफ्स और ये मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तारिक तक देता है। चलिए हम दोनों बाहर चलते हैं। हेतल जी, वो मुझे थोड़ी थोड़ी भूख लगी थी और फिर और बाहर भी नहीं जा सकते, कुछ खाने को मिलेगा? मैं ढोकला बना देती हूँ आपके लिए, ठीक है? आइए। दाराओ, मैं रसगुल्ला बनाते लाती हूँ। नहीं, मैं ढोकला दूंगी। मैं रसगुल्ला दूंगी। नहीं, मैं ढोकला खिलाऊंगी आपको। नहीं, ढोकला। स्टॉप, आई नीड टू टॉक टू हिम। बस एक मिनट, सिर्फ एक मिनट। हाँ तो आपको बहुत भूख लगी है ना? आपने रसगुल्ला और ढोकला तो खा लिया, अब मेरे हाथ का ना पंजाबी परांठा भी खा लो। बेटा, तेरी जिंदगी में एक थप्पड़ की कमी से वो लग गया, फिर मजे ही मजे से। हैनी जी, गलते तू टकीले नु चपेड़ मारती ते फिर मैं होर की कर दी। अंकल जी, वो मेरे सामने दूजी कुड़िया दा हथ फड़ रहा सी, बांह फड़ रहा सी, मैनू नहीं पसंद आया। इस च बुरा मनन दी गल की है? लन, एक्सक्यूज मी, मैं जरा इनसे कुछ पर्सनल बात कर रहा हूँ, आप मुझे थोड़ा टाइम देंगे प्लीज? प्लीज, ये तो समझ नहीं रहे, तू तो समझ जा। लंडन दे विच रिवाज है, लड़के लड़के उत्थे ऐदा इज्जत दिंदे ने। उन्हें तेरी इज्जत की? हाँ जी। ते ओही इज्जत उन्हें दो लड़कियां नु देती तो की प्रॉब्लम है? और आज तो बाद कुछ भी काम करना है तो मैनू करन तो पहला मैनू पूछना है, ठीक है? प्लीज जाओ, उसको लो माफी मांग के आओ प्लीज। ठीक है, जिद्दा तुसी कहंदे हो। माफी मांग के आओ। एक बार ये टकीला की मैरिज हो जाए, मैं तो फिर सदा के लिए अंडरग्राउंड हो जाऊंगा। ज्वेलरी कहाँ गई? यार पप्पी, पंडित जी के मंत्रों की टेक्नोलॉजी बड़ी फास्ट काम कर रही है। आधे घंटे में ही थप्पड़ पड़ गया। अगर इस थप्पड़ से मेरी किस्मत बदल गई तो फिर मुझसे ये गाड़ी, बंगला, ये सारी चीजें बस मेरे पास होंगी पप्पी, है ना? ये क्या? चाचा जी, टकीला, ऑफिसर, ये सिर क्यों पकड़े हुए? अरे ये क्या तरीका अभी रेट डालने का? जिंदल साहब, आपको क्या लगता है मुझे आपके प्लान के बारे में नहीं पता है? सब पता है मुझे, बताइए। अरे ऐसा कौन सा प्लान है जो प्लान मेरा है पता इनको है, बताइए। टकीला, पंडित जी ने एक थप्पड़ नहीं, दो थप्पड़ बोले होंगे। नहीं नहीं यार, एक थप्पड़ ही बोला था। फिर मेरे को लगता है वो दूसरा थप्पड़ देख नहीं पाए। लेकिन ये दूसरा थप्पड़ मुझे मारेगा कौन? श्री श्री पप्पी जी महाराज, बंदे भेज के मुझे डंडे मरवा कर यहाँ पे बंद कर दिया ताकि नीचे से पूरी ब्लैक मनी और ज्वेलरी गायब कर सको। आई नो माई टीम एंड आई नो देम वेरी वेल। उनके होते हुए ब्लैक मनी का एक पैसा नहीं कहीं जा सकता। पाँच मिनट दो मुझे, पाँच मिनट, अभी सब पता लगा लूँगा। एक थप्पड़ से शादी होनी थी, कहीं दूसरे से तलाक तो नहीं हो जाएगा? शादी में होने दूंगा तब ना, बैग वाली माया कहाँ है? एक मिनट, कहीं तेरी माया ने इस बैग वाली माया का सफाया तो नहीं किया? तेरी होने वाली भाभी के ऊपर ये इल्जाम? तू तो प्यार के भाव में बह गया है,
तेरा बैग वाली माया में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा। इसका मतलब है किसी ने हमारा ज्वेलरी वाला बैग बदल दिया और ये काम किसी घर के आदमी का ही है। इस घर में हमारा उस्ताद कौन है ये पता लगाना ही पड़ेगा। यार पंजाबी होकर ना इडली खानी पड़ रही है, अब ये दिन भी देखने थे। आई तो लव इडली। इधर आओ, इधर आओ। जी साहब। गल सुन। जी साहब। क्या ऑर्डर किया था तुझे? उषा आलू पराठा साहब। तो ये क्या है? साहब ये साउथ इंडियन स्वादिष्ट खाना है, इडली और सांभर। तेरे अगर मैं थप्पड़ मारूं तब लेके आएगा आलू का पराठा? जी साहब। इधर आ। जी साहब। अय्या कबाब में हड्डी। इडली सांभर, तुम लोगों को ये सब सूझ रहा है? और तुम्हारा बॉस ऊपर इतनी देर से बेहोश पड़ा है, कौन सी ड्यूटी कर रहे हो तुम लोग? सर आप कैसे ड्यूटी कर रहे हो? सर आप टॉयलेट से आ रहे हो या जा रहे हो? शट अप, बैठ जा, उठ। यस सर। पैंट उतार और मुझे दे। पैंट सर? हाँ पैंट दे मुझे। सर नो सर, जल्दी जल्दी में सर अंडरवियर पहनना भूल गया। बैठ जा। थैंक यू सर। मिस्टे यू गेट अप। सर मैं नहीं उतारूंगी सर, इससे अच्छा तो मैं डिजाइन कर दूं। वो तो तुम सब करोगे। सिक्का जी, जो ज्वेलरी और कैश इस घर से मिला है कहाँ है? पप्पी जी आप क्या समझते हो, आप चड्डी पहन के आओगे इसका मतलब ये नहीं कि हम सब डर जाएंगे। ज्वेलरी वाला बैग मैंने आपको पकड़ाया था और वो आप बैग लेके भाग गए थे। मजाक छोड़ो आप। और हाँ ये एवेल्यूशन वाले कागज तो यहीं पे रह गए, ये लीजिए कागज। देख इसे, इतनी सारी ज्वेलरी मिली है, बैग कहाँ? सर बैग तो मैंने आपको दिया था। कब मेरे को पकड़ाया था? कौन सा बैग पकड़ाया था? मिष्टी बताए ने कौन सा बैग लेके गया हूँ मैं। सर आई एम ऑन ड्यूटी और मैं झूठ नहीं बोल सकती। सर मैंने बैग सोना के सामने दिया आपको और सोना के सामने कभी मैं झूठ नहीं बोलता, क्यों सोना? सही है सर, मेरे सामने दिया है सर ने आपको बैग। क्या सबूत है? सर आपके पास क्या सबूत है कि आप ऊपर बंद थे? और आप ना केले खाने बंद कीजिए, फिसल गए ना जुबान। मैं पागल हूँ? सर सारे कह रहे हैं तो सर दिया ही होगा ना बैग। सर थोड़ा सा जोर डालो सर, दिमाग पे कुछ याद आ जाए। एक मिनट। सर आप मेरी बात सुनिए सुनिए सर, ये देखिए, ये सर आप बैठे थे ठीक है, ये सोना बैठी थी आपके सामने और ये मैं और ये टेबल, यहाँ पे मैंने बैग रखा था और ये आपको बैग दिया मैंने और आप बैग लेकर भाग गए। कोई बैग नहीं दिया। मैं फिर समझाता हूँ सर, कोई बात नहीं। ये सर आप बैठे थे, ये सोना बैठी थी बीच में और यहाँ मैं बैठा था। देख लूंगा तुम सबको, मैं पागल हूँ क्या, मेरे को याद नहीं है? अरे इतना भरोसा था मेरे को तुम लोगों पे, अपने स्टाफ पे। सब मिले हुए हो तुम, सब मिले हुए हो। गेट आउट, उठो बाहर निकलो, बाहर निकलो। ये अपने पप्पी जी पागल हो गए हैं। ये कौन है, मैंने पहचाना ही नहीं। पप्पी जी, पप्पी जी, पप्पी शर्मा। इनको नंगा किसने किया? ये तो पप्पी शर्मा है। पीजर, चल। तू कह रहा तू ऊपर बेहोश पड़ा था और थोड़ी देर पहले तू मेरे को नीचे मिले, चक्कर कुछ समझ नहीं आ रहा। साहब आपको मैम साहब ने बुलाया है साहब। अरे कांचा इधर आ। जी साहब। अच्छा सुन, तू सवेरे से इस घर में है? जी साहब। ये सब घर में जो भी गड़बड़ चल रहा है तुझे क्या लगता है इसको किसने मारा होगा? हाँ साहब, साहब इस घर में गड़बड़ चल रहा है साहब। वो सिक्का बोल रहा है कि बैग मुझे दिया है, ज्वेलरी और कैश उसमें है, मुझे कोई ऊपर डंडे मार के फेंक गया है और तुम लोगों के होते हुए बैग गायब हो गया है। क्या काम कर रहे हो तुम लोग? ये सारा काम मुझे ओ आई टी अभिषेक का लगता है साहब, क्योंकि उन्होंने मुझे भी थप्पड़ मारा था साहब। किसी भी हाल में बैग मेरे को यहाँ पर चाहिए, मेरे सामने, उस बैग में मेरी इज्जत है। साहब मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछो। साहब जो ये आपका भतीजा है ना, इसका लंदन में कोई डुप्लीकेट भाई तो नहीं है? इधर आ। जिंदल परिवार को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए कि कैश और ज्वेलरी वाला बैग गायब हो चुका है। सर बैग तो मैं ढूंढ दूंगा, आप पहले पैंट पहन लो। तुम लोगों ने मुझे पैंट पहनने लायक छोड़ा है? मेरी प्रतिज्ञा है जब तक बैग नहीं मेरे सामने आएगा मैं पैंट नहीं पहनूंगा। पक्की इन्फॉर्मेशन है कि बैग इसी घर में है कहीं? चुपचाप ये बता दो कि बैग किधर है। ढीठ है सबके सब। जोगिंदर शुरू हो जा।
शाम, मुझे कुछ नहीं शाम। ओए, आराम से खड़ा रह। पुशअप। ये क्या कर दिया इसको जोगिंदर? आग तू लगा दे, प्यास तू बुझा दे, इश्क के जलवे बिखरा दे, जा जला होश गवा। टिपरे 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 डाइट, प्यार की लेके पूरी डाइट, लुट जा मिट जा मेरी जा। टिपरे 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 डाइट, प्यार की लेके पूरी डाइट, लुट जा मिट जा मेरी जा। दिल से लगा ले तू और मजे गा ले तू, हाथों में हाथ तू ले जरा, प्यार बढ़ा ले तू, संग बिठा ले तू, खिलती कली है तू छू जरा। चल वे तेरे देखू मेरा, टिपरे 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 डाइट, प्यार की लेके पूरी डाइट, लुट जा मिट जा मेरी जा। टिपरे 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 डाइट, प्यार की लेके पूरी डाइट, लुट जा मिट जा मेरी जा। साथ है तेरा आज, बढ़ती जाए ये प्यास, आगे क्या होगा कुछ तो बता। बात ये टूटे ना, साथ ये छूटे ना, तू मुझको बाहों में ले जरा। ये मौका टिपरे टिपरे डाइट, प्यार की लेके पूरी डाइट, लुट जा मिट जा मेरी जा। टिपरे 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 डाइट, प्यार की लेके पूरी डाइट, लुट जा मिट जा मेरी जा। टिपरे 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 डाइट, प्यार की लेके पूरी डाइट, लुट जा मिट जा मेरी जा। टिपरे 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 डाइट, प्यार की लेके पूरी डाइट, लुट जा मिट जा मेरी जा। ओ चाचा जी, मेडिसिन ले रहा था। हाँ जी हाँ जी, मैं बाद में। नहीं 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 नहीं, ओ मेडिसिन तो मैंने ले ली थी। अच्छा, तो हम अभी बात कर लें? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल कीजिए। टकीला, मुझे आज बहुत बुरा लग रहा है। वो माया ने तेरे को थप्पड़ मार दिया ना? माया आ गई? लेकिन मैंने उसे बोल दिया कि फौरन तुझसे आके माफी मांगे। लेकिन मैं तो माया से अभी तक मिला ही नहीं। ले गधे की दूं तो क्या माया का हाथ पकड़ के उसे मैं लेके गया था बेडरूम में? ओ चाचा जी, माया को तो छोड़िए, मैं तो सुबह से आपसे नहीं मिला अभी तक अच्छी तरह से। छोड़ इन बातों को, देख सबसे पहली बात ये देख, तेरे लिए कितनी बढ़िया टी शर्ट और जीन्स लेके आया हूँ, ठीक है? तो पहले ये पहन के तैयार हो जा, ओके? तेरे से बाद में बात करता हूँ मैं। एक्सक्यूज मी टकीला जी। एक्सक्यूज मी। यस जी, मैं आपसे एक सेकेंड। आपको मिस्टी ने भेजा है, आप प्लीज़ थोड़ा बाद में आएंगी, मैं थोड़ा रिलैक्स कर रहा था। जी नहीं, मैं वो आपसे। तो आपको पप्पी जी ने भेजा है ना? प्लीज़ थोड़ा बाद में आएंगे हम, प्लीज़। जी नहीं, मुझे किसी ने नहीं भेजा, और मैं खुद आई हूँ। मेरा नाम माया है। माया? ओके, सो यू आर माया। आप सुबह से कहाँ पर थी? मैं तो आपसे ही मिलने आया था। यू आर सो ब्यूटीफुल। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। टकीला जी, मैं वैसे आपको ना सॉरी बोलने आई थी। सॉरी? सॉरी फॉर व्हाट? आपने मुझे माफ़ कर दिया ना उस थप्पड़ के लिए। थप्पड़? कौन सा थप्पड़? सब थप्पड़ की बातें क्यों कर रही हैं? आपको मेरा थप्पड़ नहीं याद है, आपको मिष्टी और हेतल याद है। माया जी, आपको हो क्या गया ये? हुआ मुझे नहीं, आपको है। आप आराम से यहाँ पे बैठ के रसगुल्ला और ढोकला खाइए, मैं चली। माफी मांग के अपनी बेइज्जती करवा ली मैंने आज। Who are you bloody?
She's my buddy. I don't like kabab mein hatti. Who are you bloody? She's my buddy. I don't like kabab mein hatti. Who are you bloody? She's my buddy. I don't like kabab mein hatti. 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 खान माया जी, क्या हुआ आपको? आप रो क्यों रही हैं? जैसे आपको नहीं पता मैं क्यों रो रही हूं। पहले आप बताओ, मैंने आपको थप्पड़ मारा था या नहीं? थप्पड़? हाँ हाँ। तो फिर पहले क्यों झूठ बोला? झूठ? मैंने कब झूठ बोला? देखिए माया जी, हाथ आपका और गाल मेरा, आप जब चाहे जहां चाहे मुझे थप्पड़ मार सकती हैं, यह आपका हक है। सच में? हाँ बिल्कुल। आप मुझसे इतना प्यार करते हो? हाँ मैं आपसे इतना। अरे आपकी 50 लाख की रिंग कहाँ चली गई? कहीं चोरी तो नहीं होगी? इस घर में चोर कौन है? चोर मैं नहीं, मतलब आपकी रिंग कहाँ गई? कहाँ आपकी रिंग? वो आंटी जी को दे दी थी मैंने। आपने अपनी 50 लाख की रिंग आंटी जी को दे दी? तो हम यहाँ पर अपनी माँ, हम यहाँ पर किस लिए आए फिर? आप मेरा इतना ख्याल रखते हो? आपकी चीजों का मैं ख्याल नहीं रखूंगा तो फिर और कौन रखेगा? मेरी एक बात मानोगे? हाँ बिल्कुल, बताइए। पंडित जी ने कहा था कि आज का दिन बहुत शुभ है, तो हम आज ही रिंग सेरेमनी कर लेते हैं। आइए जमाई राजा। वेलकम। था जमाई नहीं, घर जमाई राजा बोलिए। आज से ये 10 करोड़ का बंगला आपका और हमारी सारी प्रॉपर्टियां आपकी। सर यहाँ आप मेरे लेफ्ट में बैठे थे और बिल्कुल सामने आपके सोना बैठी थी, ठीक कह रहा हूँ ना मैं सर? है ना। और यहाँ बीच में मैं बैठा था, यहाँ टेबल पे बैग था जो मैंने आपको पकड़ाया और आप लेकर भाग गए। मैं दोबारा समझाता हूँ आपको। ये सर आप बैठे थे मेरे लेफ्ट में, यहाँ बिल्कुल सामने सोना बैठी थी और ये बीच में मैं बैठा था, टेबल पे बैग रखा और मैंने आपको पकड़ाया ज्वेलरी से भरा बैग और आप भाग गए। सर आप मेरे मजाक का माइंड कर गए, हद हो गई आपकी। चलिए मैं आपको फिर समझाता हूँ। सर ये टेबल था, यहाँ मैं बैठा था, ये सोना बैठी थी आपके सामने, यहाँ पे टेबल पे बैग था और ये मैं, बैग मैंने अपने हाथों से आपको पकड़ाया और आप भाग गए। मैं दोबारा समझाता हूँ सर। ये आप मेरे सामने बैठे थे, ये सोना, आप खड़े क्यों हो गए? हाँ मैं बैठ जाता हूँ। सुन, जो बैग तूने मुझे दिया था उसमें से ज्वेलरी गायब है। सर ये आपने बहुत अच्छा किया जो पैंट पहन ली, और आप ये तो मानते हो ना कि ज्वेलरी से भरा बैग मैंने आपको पकड़ाया था? हाँ मुझे पकड़ाया था। बस एक बार ये मैटर सोल्व हो जाए उसके बाद मैं ये सोने का बिजनेस छोड़ के कोयले का बिजनेस स्टार्ट करके झारखंड सेटल हो जाऊंगा। सर झारखंड तो बाद में सेटल होना, पहले तो मुझे ये बता ज्वेलरी वाले बैग में ज्वेलरी की जगह कपड़े तूने डाले? एक मिनट सर, पहले आप मेरे साथ चलिए और सबके सामने मानिए कि बैग मैंने आपको पकड़ाया था। सर प्लीज प्लीज आइए ना सर। बैठ तो एक सेकंड। देख सिक्का, ये हमारे बीच का मामला है, मेरे को बस इतना बता दे कि इस घर में ज्वेलरी किसने गायब की है, ये मेरी नौकरी का सवाल है। पहले आप सर चल के ना मेरे साथ सबको बताइए प्लीज प्लीज। मैंने सर बैग आपको दिया था सर। पागल हो गया? हाँ मैं पागल हो गया हूँ। चलिए सर चलिए हमारे साथ। चलिए देखिए आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, बैग मेरे हाथ में आया ही नहीं, मैं तो ऊपर बेहोश पड़ा था, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? साला बंदर कहीं का। विक्की प्लीज, गिरी साहब आपको मेरी बात का विश्वास है ना, मैं पागल नहीं हूं,
देखो मेरे ऊपर आगे इतनी इंक्वायरियां बैठी हुई हैं, आप समझा करो, मैं पागल नहीं हूँ। सर ये तो और बंदा पागल हो गया है। कौन? सर वो ज्वेलर, वो अतेले में बातें तरी जा रहा है। आप बैठिए। देखो आओ मैं सर, आपको आओ। पप्पी जी आप यहाँ पे, मुझसे भी पहले। चलो छोड़ो। अच्छा पप्पी जी, अब आपको आपकी कसम है कि उस कमरे में जो आपने मुझे कहा था कि ज्वेलरी वाला बैग मैंने आपको दिया है, जरा सबके सामने प्लीज मानो, प्लीज। मिष्टी यू आर राइट। सिक्का साहब जाकर पहले रेस्ट कीजिए और फिर फ्रेश होकर बताइए आपने ज्वेलरी वाला बैग किसको दिया था। सर आप 100 बार पूछोगे मैं 1000 बार बताऊंगा बैग मैंने इनको दिया था। और सर ये आपकी पैंट कहाँ पे गई सर, फिर से उतार दी। तू 1000 बार बोलेगा ना, मैं 1000000 बार बोलूंगा कि तूने बैग मुझे नहीं दिया। मैं सर 1000000000 बार बताऊंगा आपको कि बैग मैंने आपको दिया था, आपको दिया था। और ये पैंट का मुझे समझ नहीं आया, पैंट कहाँ पे गई सर आपकी। अगर तूने पैंट की एक बार और बात की ना तो ये जो कच्चा डाला है ना मैंने ये भी उतार देना है। सर आप मुझे ना पागल कर दोगे, मैं पागल हो जाऊंगा सर, मैं पागल हो जाऊंगा। मेरी बात मान लो, आप पेंट पहन लो, यहाँ पे कब किसका MMS बन जाए ना पता नहीं चलता। मैं सबके फायदे की बात करूँगा, पहले तो ये बात भूल जाए कि आपको कोई बेहोश करके फेंक गया। अगर ये बात बाहर आ गई ना तो हम सब पर इंक्वायरी बैठ जाएगी, इसलिए इस बात को यहीं पे दबा दो। ये बात तो दबा देंगे पर बैग वाली बात कैसे दबाएंगे? ऊपर से जिंदल साहब तो वैसे ही मेरे पीछे FIR दर्ज कराने को तैयार बैठे हैं। ऊपर से मेरे को शक हो रहा है कि कहीं सिक्का जिंदल के साथ ना जाकर मिल गया हो। हम मिल लेते हैं सिक्के को। ओ सर जल्दी जल्दी पैंट डाल लो नहीं तो MMS बन जाएगा। अरे सर जल्दी जल्दी, हाँ जल्दी शर्ट डाल। अरे सर बटन तो बंद कर लो फटाफट, चलो चलो आ जाओ। मैं एक मिनट आया। ओ मेरा बैग रह गया। सर जी सर एक मिनट मेरी बात सुनो, मैंने आपके साथ एक छोटा सा मजाक क्या कर लिया, आपको चोर कह दिया, आप तो दिल पे ले गए। अब मजाक छोड़ो, ये बताओ मैंने बैग आपको दिया था ना सर? पहले मजाक तू छोड़, तेरे को पता है उस बैग में लाखों की ज्वेलरी। थोड़ा धीरे बात कीजिए। तेरे को पता है उस बैग में लाखों की ज्वेलरी थी, अगर वो बैग गायब हो गया ना तो चोरी का केस मेरे पे ठुकेगा। सर सर मेरे को लगता है इसको भी वही चाहिए। पैसे चाहिए तेरे को? पैसे चाहिए? तू देखियो जरा। सर मेरा तो वॉलेट पुलिस स्टेशन में रह गया। तुम कंगाल दोगे मुझे पैसे? ये पकड़ो 5 लाख की अंगूठी, ये पकड़ो 10 लाख की अंगूठी। अब बताओ बैग मैंने तुम्हें दिया था ना? पैसे तो तेरे पास होंगे ही, बैग गायब करने के पैसे जो मिले हैं तेरे को, और तू जिंदल का दोस्त भी तो है। हाँ हूँ मैं जिंदल का दोस्त। फिर बस हो गया क्लियर, ये और जिंदल मिले हुए हैं सर। एक मिनट, सिक्का बहुत ईमानदार आदमी है, इस शहर में मेरा नाम है, काम अपनी जगह है और दोस्ती अपनी जगह है। ये मानेगा नहीं, क्या करना है इसका? एक मिनट, ये देखो सर, ये आप बैठे थे ना, ये सोना बैठी थी, ये मैं बैठा था। अबे तू क्या ये बार बार करता रहता है? एक मिनट और, सर ये आप बैठे थे ना, ये सोना। मैंने तेरे हाथ तोड़ देने। सर सर छोड़ दो, बहुत लगे सर। बोल सर बैग कहाँ है? बोल सर जल्दी, बोल याद आ गया। बोल। हाँ सर मुझे याद आ गया बैग कहाँ था। सर सर आप यहाँ बैठे थे ना, मैं यहाँ था और सोना यहाँ और बैग यहाँ था। यस पप्पी। पप्पी एक मिनट रुकिए। अरे पहले लाल जी निकलो, निकलो यहाँ से। ओ सुन मेरी सिटी, आई लाइक योर ब्यूटी, तेरे प्यार करा मैं जिले प्राइवेट ड्यूटी। मेरा इश्क फराटा, इश्क फराटा, इश्क फराटा, VHD कबाब में हड्डी, कबाब में हड्डी, कबाब में हड्डी, कबाब में हड्डी। मेरा इश्क फराटा, इश्क फराटा, इश्क फराटा, VHD कबाब में हड्डी, कबाब में हड्डी, कबाब में हड्डी, कबाब में हड्डी। आए
हे भगवान, पता नहीं कब जाएंगे ये लोग। सच्ची में तो तंग आ गई, पीछा ही नहीं छोड़ रहे जब से आए। आंटी जी। हाँ जी, ये कहाँ है? ये पीछे बैठे हैं। नहीं नहीं, टकीला जी। ये बाय द वे टकीला तेरा ये कैसे हो गया? हाँ? ये हेतल टकीला के पीछे क्यों पड़ गई? आंटी जी। हाँ जी, ये कहाँ है? ये पीछे बैठे हैं। नहीं नहीं, ये नहीं, टकीला जी। तो टकीला तेरा भी ये बन गया, नीचे है। सुनते हो जिंदल साहब, ये टकीला दो दो जनों का ये बन गया। जल्दी से टकीला की माया के साथ आज ही रिंग सेरेमनी करा दो। मम्मी कितनी देर से फोन कर रही हूँ, कहाँ थी आप? अरे बेटा हूँ। अच्छा खैर छोड़ो, मम्मी हूँ, लंदन जाओ छू, लंदन लंदन लंदन। फाइनली मैंने उस बेवकूफ टकीला को पटा ही लिया। हाँ, और उसके चाचा चाची को भी पटा लिया। लंदन जाते ही मैं उससे शादी कर लूंगी। पर बेटा मेरा आशीर्वाद। मम्मी आशीर्वाद गया तेल पीवा। बेटा जैसे मैंने तेरे पापा को पटाया था ना, हाँ कर ले। अच्छा ठीक छे, जाने से पहले मैं रिंग सेरेमनी जरूर कर लूंगी। और वहाँ जाते ही जैसी मेरी उससे शादी हो जाएगी ना, आप और पप्पा वहाँ पे आ जाना, फिर हम मस्त में टकीला के पैसों से ऐश करेंगे। अरे वाह, आज तक जितने भी सास बहू के सीरियल देखे हैं ना, हाँ। सारे आइडियाज मैंने आज यूज किए हैं। चलो मिलके साथ में बोलो, क्योंकि सास भी कभी बहू थी नो जय, कहानी घर घर की नो जय, एकता कपूर जिंदाबाद। अच्छा मम्मी ओके ओके, बाय बाय। अरे वाह वाह, तो तुमने टकीला को शादी के लिए हाँ कर दी, और टकीला ने? उसने भी हाँ कर दी जीव निकाल के। मुझे लगता मेरा ब्लैक पीने का टाइम आ गया है, अब पैग लगाने में ज्यादा मजा आएगा। तुम तब तक टकीला के पास नीचे चलो। वैसे मुझे ना आपसे एक बात करनी थी, टकीला का बिहेवियर बहुत ज्यादा अजीब है। आपके कहने पर मैं ना उसे सॉरी बोलने गई, और उसने बोला कि मैंने उसे थप्पड़ मारा ही नहीं, और थोड़ी देर बाद बोलता है कि हाँ मैंने उसको मारा है। माया, टकीला मान तो गया ना, चलो इसी खुशी में। वैसे तुम कहो तो मैं एक पैग मैं तुम्हारे लिए भी बना दूं। अंकल सॉरी, चलो सारा कंफ्यूजन दूर तो हो गया ना। तो तुम आज रात टकीला के साथ लंदन जाने की तैयारी करो, और मैं आज शाम को तुम्हारी और टकीला की रिंग सेरेमनी करवा देता हूँ, ठीक है? एंड इन केस अगर टकीला दोबारा कंफ्यूज होता है तो इस बार जरा हाथ पे कंट्रोल रखना। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। ले दस, चलो आज एक तो अच्छा काम हुआ, टकीला वेड्स माया। चीयर्स। मिस्टी? यस योर ऑर्डर। और ये बाती दो तिस्ते है। बाय। टकीला जी, रसगुल्ले आ गए। टकीला जी ढोकले। तुझे क्या लगता है, ये धोतला खिला तो तू लंदन चले जाएगी? तो तुझे क्या लगता है, तू रसगुल्ला खिला के लंदन जाएगी? तू क्या देते ही है, ये ताले पराठे खिला तो तू लंदन जाना चाहती है? आ, तेरा तो मैं मुंह पान दूं। आ, ले। तेरा तो मैं बाल जे पट दूंगी तोतली जी। तू तो मेरे ही पिल्लो। सबको सब ठहर ठहर ठहर। मक्खी है अंदर, मक्खी है, आजा आजा। बेटा सुबह से तूने मक्खियां मार मार के ना हमारे कंधों की मां बहने कर दी है,
अब तुम्हें हम बताएंगे कि मक्खियां कैसे मारते हैं। मारो साले को। एक मिनट, पहले लाइट बंद कर लेते हैं, फिर और मजा आएगा। साले अब बताता हूँ तेरे को। छोड़ दो, अब मुझे क्यों मार रहे यार? पकड़ो साले को, पकड़ो साले को। मुझे क्यों मार रहे तेरे? हाँ सिल्वी, मिल गई भी, वेरी गुड, आ गया मैं। हाय। हेलो। ड्रिंक? थैंक यू। ओके। अच्छा ततिला जी, अपनी लंदन की फ्लाइट कितने बजे थी है? मिडनाइट। ओते? मेरे पेरेंट्स से मेरी दोबारा बात हुई थी, तो उन्होंने बोला थे लंदन जाने से पहले अदर अपनी रिंग सेरेमनी हो जाए तो अच्छा रहेगा। आपको भी लंदन जाना है? हाँ। अच्छा, आपके भी पेरेंट्स से दोबारा बात हो चुकी है? हाँ हाँ। लंदन से पहले रिंग सेरेमनी? हाँ। ओके। ड्रिंक? ना 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 ना। आई नो। आप मुझे थोड़ा सा टाइम देंगी सोचने के लिए? ठीक है, श्योर। ओके, थैंक यू। एक सेकेंड। आप अभी तक यहीं पे हो? हाँ, मैं तो यहीं था। मैं वो आपसे बोल रहा था कि रिंग सेरेमनी की जो बात थी उसके बारे में आपने क्या सोचा, आप प्लीज मुझे बताएंगी? पर उसके लिए तो मैं आपको ऑलरेडी हाँ कर चुकी हूँ। आपने मुझे रिंग सेरेमनी के लिए हाँ हाँ कर दी थी क्या? ओ माय गजनी, तुम कैसे भूल सकते हो, अभी अभी रिंग सेरेमनी के लिए हाँ बोली है तुमने मुझे। रिंग सेरेमनी? देखो मैंने रिंग भी पहन ली, तुम्हीं ने कहा था ना। रिंग? लेकिन मैंने तुम्हें रिंग सेरेमनी के लिए हाँ कब बोली? अभी अभी 10 मिनट पहले। लगता ये टकीला मेरे हाथ से फिर पिटेगा। ये तीनों लड़कियों के साथ मेरा क्या कंफ्यूजन चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे लगता है शादी करने से पहले मुझे इन तीनों लड़कियों को अपना पास्ट बता देना चाहिए। अपने पास्ट को भूल चुका है तू, और अपने पास्ट को ना प्रेजेंट से अलग रख, नहीं तो तेरा फ्यूचर प्रॉब्लम में आ जाएगा। देख, तीनों लड़कियों में से तुझे जो भी पसंद है ना उसे हाँ बोल दे, उसके पेरेंट्स से मैं बात कर लूंगा, लेकिन इस बार तू शादी करके लंदन जाएगा। ठीक है। ओके। इश्क दा सोना गहना बनक सासों में रहना, इश्क दा सोना गहना बनक सासों में रहना, दुआ बस इतनी सी है तुझ में रहना, तुझ में रहना, हाँ यार मैंने तुझ में रहना, बनक सासों में रहना, हाँ यार मैंने तुझ में रहना, तुझ में रहना, तुझ में रहना। ओए कुड़िया करारी लेके नजर कटारी, मेरे दिल पे छुरी मार कस के, असीमत वारी जाए मुझ पे जवारी, मन मेरा ये कहे नच नच के, तू तो मेरा लव वाला गुड लक हो गया नी, तू तो मेरा गुड लक लव लव, तू तो मेरा लव वाला गुड लक हो गया नी, तू तो मेरा गुड लक लव लव। क्या हमारे दोनों डुप्लीकेट्स स्टोर रूम से छुटकर नीचे चले गए? हाँ यार, सारी मेहनत बेकार चली गई। इसका मतलब माया को पाने के लिए अब हमें किसी भी हद तक जाना होगा। बैठना है मुझे डोली में सज के यारा वे, तेरे इश्क ने हमको मारा वे, यारा वे, यारा वे। लबों की नरमी गर्मी काजल आँखों का, तेरे वास्ते दिलदारा वे, यारा वे, यारा वे। दिल हुआ दीवाना,
थोड़ा शिकाना, जाने अनजाने कैसे कब हो गया। तू तो मेरा लव वाला गुड लक हो गया नी, तू तो मेरा गुड लक लव लव, तू तो मेरा लव वाला गुड लक हो गया नी, तू तो मेरा गुड लक लव लव। अरे ये तो हमारे डायरेक्टर इनकम टैक्स भंडारी साहब है। ये क्या है? चप्पल। कौन सा? कोल्हापुरी। नंबर? 6। नौ नंबर के चप्पल को 6 नंबर बोलता है? आए अभी भी 9 का 6 और 6 का 9 दिखाई देता है। अपुन कब से 9 नंबर बंगले के बाहर लाल बत्ती वाली गाड़ी लेके खड़े लाए और तुम लोग यहाँ पे 6 नंबर बंगले पे रेड डाल रहे लाए? तो सर ये 9 नंबर बंगला नहीं है? पप्पी जी ने फिर गलती कर दी। सॉरी सर। सॉरी अपुन से ने जिंदल साहब से मांगो, चल माफी मांग। सॉरी सर, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। माफी? आपको मालूम है आपकी इस हरकत की वजह से मैं सबको जेल भेज सकता हूं? मेरे भतीजे की एंगेजमेंट सफर हुई, इसका जॉब कौन देगा? लेकिन मेरा नाम रौनक जिंदल है, मैं लोगों के घर बसाता हूं, उजाड़ता नहीं। जाओ, माफ किया। वाह जिंदल साहब, जितना बड़ा आपका ग्रुप है रौनक स्वीट्स, उतना ही बड़ा आपका दिल भी है। सीखो कुछ इनसे, बड़ा आदमी कैसे बना जाता है, समझा? वैसे भंडारी साहब जी, इनको माफ करने की एक वजह और भी है। क्या? आपकी तरह मैं भी अमिताभ बच्चन का बहुत बड़ा फैन हूँ। क्या बात कर रहे हो बाप? गंगा की सुगंध। यस, बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। अमिताभ की एंट्री पे बस्ती थी ताली, हर लड़की फैन थी, गोरी हो या काली। मिलिए मेरे असिस्टेंट से सुरेंद्र और बाली। स्टॉप, इनकी इंट्रोडक्शन सिर्फ उसी से करवाता हूं जो अमिताभ का फैन हो, आपकी तरह। ये दो और दो पांच आपको मिले कहां? जिंदल साहब, अपन एक बार शहनशाह पिक्चर देखने को गया था, ये दोनों थिएटर के बाहर खड़े लेते और तब से ये दोनों अपन के साथी छे। बेटा बजाओ शहनशाह। वेरी गुड। भंडारी साहब, आप कहां छुपे हुए थे? कौन कौन सी मूवीज देखी आपने? मैंने अमर अकबर एंथनी देखी और शोले, शान, सुहाग, नटवरलाल, देशप्रेमी, कालिया, सत्य बसत्ता, याराना, दोस्ताना, नसीब, लवारिस, जंजीर, जमीर, मुकद्दर का सिकंदर, खून पसीना, हेरफेरी, सारी फिल्में देखी उनकी तो। अच्छा, टिकट मिल जाती थी आपको? नहीं, टिकट तो एक्चुअली मैंने वो ब्लैक में लिया था। डबल रोल में कौन सी फेवरेट है? डबल रोल की डॉन। डॉन? हाँ, अरे हाँ, डॉन मूवी तो ऐसी थी। हाथ मिलाइए। डॉन मूवी तो ऐसी थी जिसे देखते हुए पैदा हुए और मरते दम, मरते दम तक देखते रहेंगे। लीजिए कुर्सी भी आ गई। ये हुई ना बात। अरे अरे, शहंशाह लग रहे हैं आप तो। चाचा जी, मैं टेकिला लंदन वाला। कोई होशियारी नहीं करेगा नहीं तो गला काट दूंगा इसका मैं। ओ पीछे हट जा, मार दूंगा मैं इसे। नहीं सर, सर असली मैं ही हूँ। सर ये वही लोग हैं जिन्होंने मुझे डंडे मारकर ऊपर फेंका था, पर सर ये नकली है। सर असली मैं ही हूँ। बताए मेरे को, तेरा कोई डुप्लीकेट भाई तो नहीं है? नहीं सर, मैं इकलौता ही हूँ, पापा तो यही कहते हैं। तेरे पापा से मिलना चाहूंगा मैं। मुझे मुझे बचा लो चाचा जी, मैं असली टिकला हूँ चाचा जी। ये जो आपके सामने खड़ा ये नकली टिकला चाचा जी, मुझे बचा लीजिए। मैंने थप्पड़ किसको मारा था, इसको या उसको? मेरा भतीजा कौन है?
ये मैं असली टकीला हूँ चाचा जी। ये है वो झूठ बोल रहा है, वो नकली टकीला है। चाचा जी आप एक काम कीजिए, जो सारे घर की ज्वेलरी का बैग है वो सारा बैग आप इन दोनों को दे दीजिए और माए से मेरी शादी करवा दीजिए। जिंदल साहब वही मेरी घड़ी। अब देखना। फैसला हो गया। अभी भंडारी साहब ने एक बहुत अच्छा प्लान बताया है और उस प्लान से ये साबित हो जाएगा कि मेरा असली भतीजा कौन है। आज से 20 साल पहले मैं अपने भतीजे टकीला को एक अमिताभ बच्चन की मूवी दिखाने लेके गया था और अगर तुम दोनों में से कोई भी मेरा भतीजा है वो उस फिल्म का नाम बताए। मैं बताता हूं, इंसाफ का तराजू तू बता। उस फिल्म का नाम था खुदा गवाह। यस यही है मेरे भतीजा असली। वाह मख्याल वाह, आज तो तूने कमाल कर दिया, तेरी नौकरी पक्की। ततीला जी, मैं 2 मिनट में आती हूँ। प्लीज तू ले जाए था मुझे लंदन, शटल देती है अपनी, अब मैं तुझे खिलाती हूँ रसगुल्ला। ये खा ढोकला, ये खा थेपला। एक मिनट, मुझे लगता है मैंने बैग इसी को दिया था। सबके सामने बताओ मैंने बैग तुझे दिया था ना। सिक्का इधर आओ। सर ये क्या है? चप्पल। कौन सा? कोल्हापुरी। नंबर? 10। हट कर आगे। 9 नंबर। नंबर में 9, फटके में 100। बेवकूफ आदमी, अगर वो माया वाला बैग दोनों चोरों के पास होता तो वो यहाँ पे फंसने के लिए आते? डालन चोरों को पुलिस जिम में। मिल गए लंडरा वाले, अब होगी मेरी प्रमोशन। चलो चलो। इन चोरों की बातों से एक बात तो साबित हो गई कि मेरे घर का कैश और ज्वेलरी आप लोगों ने एक बैग में डाला और वो बैग गैप कर दिया। अब जब तक वो बैग नहीं मिल जाता मैं यहां से किसी को जाने नहीं दूंगा, गोली मार दूंगा तुम सबको अगर बैग नहीं मिला तो। साहब बैग कांचा के पास है और तुम्हारा मेम साहब भी मेरे पास है। अरे तूने जो भी लेके जाना ले जा कमीने, पर मुझे छोड़ दे। ये मेम साहब आज गाली निकालेगा नहीं, आज का साहब मैं है तुम्हारा। जिंदल साहब मैंने आपसे फेरे लिए, शादी की है, मुझे छुड़ाओ इस कमीने से। कांचा तू बैग लेके नहीं जा सकता, ये तेरे किसी काम का नहीं है। ए साहब ये बैग मेरे बहुत काम का है। ए इंस्पेक्टर तुम भी इधर साइड हो जाओ। चलो कांचा ये बैग तेरे किसी काम का नहीं है, बैग मुझे दे दे। साहब ये बैग तो मेरे बहुत काम का है साहब। कांचा तुम बाहर नहीं जा सकते। जिंदल साहब मैंने आपसे फेरे लिए, मुझे छुड़ाओ। तू बाहर नहीं जा सकता। तुम मुझसे होशियारी करने का नहीं है, नहीं तो कांचा सबका ढांचा यही गिरा देगा। ये बुढ़िया चुपचाप खड़ी हो जा, नहीं तो मैं तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा। ये क्या है? चप्पल। कौन सा? वो साहब कोल्हापुरी चप्पल साहब। नंबर? वो साहब मैं तो अनपढ़ साहब। जिंदल साहब आपकी अमानत, रवानी स्टाफ की तरफ से जो भी गलती हुई है मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। ये लीजिए। देखिए भंडारी जी, इस फैमिली में आज एक बहुत बड़ा दिन है। ये है मेरे भतीजे टकीला, आज इनके एंगेजमेंट पार्टी है। हेलो। और मैं आपके पूरे स्टाफ को इस पार्टी में इनवाइट करता हूँ, प्लीज ज्वाइन अस। बाय द वे आपके भतीजे की आज एंगेजमेंट किसके साथ है?
अकीला, आई एम हियर। मैलकम को वेलकम नहीं करोगे? मैलकम तुम यहाँ? टकीला, कौन है ये? तू जानता है इसको? ये वही लंदन वाला, मेरा पास्ट। ओ सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइस, आई एम मैलकम फ्रॉम लंदन एंड ही इज माय बॉयफ्रेंड, और इससे मेरी शादी होने वाली है। लेकिन तुम यहाँ लड़की से शादी, यानी मेरी बर्बादी? आई कैंट हैंडल इट मैन। लुक मेलकम, आई एम नॉट ए गे एनीमोर, मैं अब बदल चुका हूं। बट सोसाइटी हैजंट चेंज्ड। आई वुड लाइक टू सी आप में से कौन इससे शादी करेगा। इज दैट यू? यू आर यू? मैं आप तीनों से माफी चाहता हूं कि मैंने आपको अपने पास्ट के बारे में कुछ नहीं बताया। मिस्टी, विल यू मैरी मी? वकाओ, ही इज माइन, यू हैव टू कम बैक टू मी। टेकीला, तुमसे कोई लड़की शादी नहीं करेगी। नो वन विल एक्सेप्ट यू टेकीला। Will you marry me? Look out! Society has changed. अंकल जी, मैं एक साइकोलॉजी की स्टूडेंट रही हूँ और मुझे पता है टकीला की प्रॉब्लम कैसे ठीक हो सकती है, बहुत सारा प्यार और सपोर्ट के साथ। और मुझे ये भी पता है कि टकीला जो कह रहा है वो सच कह रहा है कि वो बदल चुका है। आज से टकीला की मेडिसिन मैं हूँ। अरे आप सब लोग यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? जाओ जाके दशहरा देखो। चलिए चलिए, उठिए बाहर चलिए, मुझे ये सिस्टम ठीक करना है। मतलब मतबल आपकी ये सारी तारें सड़ चुकी हैं, शॉर्ट सर्किट हो गया कल यहाँ। हाँ तेरे को बताया तो था सवेरे जैसी तेरी पर। तेरी? अरे मुझे कब बताया? तूने तो कुछ क्लियर ही नहीं किया था मुझे। चुप। इसका मतलब सुबह से शाम तक हमने जो कुछ भी माइक पे बोला वो पब्लिक ने सुना च नहीं? सुनेगा कहां से जब चल ही नहीं रहा। क्या जसी करवा दी ना लसी। आता माजी सटकली, समझ लेना। कितने आदमी थे? दो, सिर्फ दो थे। मार मार मार। बच गया।
थाम। सर जी, ओ मेरा ही फोन दोबारा से बजाया जी। तू तेरा फोन ऑफ पे रख दे अभी, समझा? गेट आउट, गेट साइलेंट। संजय का मैसेज आया है। भारत की शानदार जीत के बाद एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि सेक्टर 27 के बंगला नंबर 6 से दो चोर पकड़े गए हैं। उन दोनों चोरों के नाम शकीला और पप्पी बताए जा रहे हैं। ओवर एंड गेट आउट। ओह देखा सर, मैंने कहा था ना चोर पकड़े जाएंगे। पकड़े तेरे चैनल की वजह से नहीं पकड़े गए, मुंबई और पंजाब पुलिस की वजह से पकड़े गए। सर पकड़े तो गए ना, हिंदी चीनी भाई भाई। सर हिंदी चीनी भाई भाई। क्यों, शक्ल से मैं तेरे को चीनी लगता हूँ? पराठा? What is this? Call the manager. मिष्टी तू यहाँ? हेतल तुम यहाँ? पता है अभी क्या हुआ? मैंने ढोकला मंगाया और वो रसगुल्ला ले आया, और उसके बाद वो पराठा ले आया। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ? हाँ, मैंने रसगुल्ला मंगवाया और वो धोतला ले आया, उसके बाद पराठा ले आया। तेनु बिलीव पराठा। बाय द वे कृति, शी इज मिष्टी। ओह शी इज मिष्टी एंड शी इज हेतल। ओह हाय मैम। पूरी स्टोरी सुनने के बाद मुझे लगता है कि अब आप दोनों को तो फ्रेंड्स बन ही जाना चाहिए। यस यस यू आर राइट, इवन आई थिंक सो। Yes. Go ahead. एक सेकेंड। ये मेरा बच्चा है। यानी हमारा? हाँ जी। और ये सब कुछ पॉसिबल हुआ माया के प्यार और इसकी सपोर्ट से। थैंक यू। गुलू 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 गुलू। बाय। Song is dedicated to the man, सारी दुनिया जिसकी है fan। ये खड़े हो जहाँ पे line शुरू हो वहाँ से, ऐसा है इनका रुबाब, रिश्ते में हैं सबके बाप, पकड़ना इनको मुश्किल और है ना मुमकिन। He is none other than Mr. Amitabh। अच्छा, 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 Who are you buddy? She's my buddy. I don't like kabab mein hatti। Are you bloody? She's my buddy. I don't lie. Kabab mein hatti. Who are you bloody? She's my buddy. I don't lie. Kabab mein hatti. 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 से